Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to study chapter 5 of class 4, that is birds, beaks and claws. इस chapter में हम birds के beaks and claws के बारे में पढ़ेंगे. In class 3 we have already learned about birds, their special features, nesting habits. In this class we will learn about their feeding habits. Feeding habits यानी उनके खाने पीने की आदतों के बारे में हम पढ़ेंगे. Birds like other living beings need food, but they do not have teeth to eat their food. They use their beaks and claws to catch and eat food. Birds को भी भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके दांत नहीं होते हैं. भोजन को खाने के लिए वे अपने चोंच और claws, यानी पंजों को इस्तेमाल करते हैं. They also use them to protect themselves from their enemies. वे इनका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए भी करते हैं. हेयर इज़ एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको अपने आसपास के बर्ड्स के नाम लिखने हैं और बताना है कि उन बर्ड्स को आपने किस जगह पे देखा है, यानी कि आपने उसे ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री देखा है या फिर ऑन द रूफ ऑफ एनी हाउस. ये सारे उनके इंफॉर्मेशंस लिखने हैं और यह भी आपको बताना है कि कौन सा फूड वो खा रहा है. Like other animals, some birds eat flesh, some eat seeds, and some eat fruits, roti, etc. The type of bird's beak and claws is related to the type of food it eats. जानवरों की तरह ही कुछ पक्षी flesh खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, कुछ बीजों को खाते हैं और कुछ फलों को खाते हैं, और इसी के अनुसार उनके चोंच और उनके पंजे उसी के अनुसार होते हैं. First we will study about the beaks. Birds do not have teeth. They use their beak to tear, bite, chisel or crush the food. Birds के दांत नहीं होते हैं. वे अपने चोंच का इस्तेमाल भोजन को काटने तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. The shape of the beak is according to the food habit of the bird. Birds के चोंच का शेप बर्ड के फूड हैबिट के अनुसार होता है. Some birds use their beaks to fight the enemy or catch the prey. They also use it for preening their feathers. कुछ birds अपने चोंच का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से, अपने enemy से लड़ने के लिए करते हैं. कुछ अपने prey को पकड़ने के लिए करते हैं. कुछ birds को आपने देखा होगा, वे हवा में उड़ते हुए insects को अपने चोंच से पकड़ते हैं. और साथ ही कुछ birds अपने feathers के preening के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. What is preening? Let us know. Preening means to clean the feathers and set them right. Preening का मतलब होता है कि feathers को clean करना और उन्हें सही तरीके से set करना. और इसी preening process के दौरान birds अपने feather के base में जो wax secreted होता है उनके body में, उसको वो spread करते हैं, उसके ऊपर उसको फैलाते हैं, लगाते हैं. Types of beak. अब हम beaks के types के बारे में पढ़ेंगे. The first one here is crushing beak. Birds like sparrow and pigeon have a short and hard beak. They use it for crushing seeds and grains and thereby make them soft before eating. Sparrow and pigeon के जैसे birds अपने भोजन को, जो अनाज के दाने हैं, उन्हें छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देते हैं, crush कर देते हैं, उसे खाने के पहले soft बनाने के लिए. Curved beak. Birds like parrot have a curved beak. This helps them in cracking nuts and fruits. Parrot जैसे birds के curved beak होते हैं और इस curved beak से वे छोटे छोटे nuts को तोड़ते हैं और fruits को भी तोड़कर खाते हैं. Piercing and tearing beak. Piercing and tearing beak flesh खाने वाले birds के होते हैं. ये ऐसे beaks होते हैं जो भेदी होते हैं, जो नोच कर मांस को खा सकते हैं. सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश. सच बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व बीक दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश. ईगल एंड वल्चर जैसे बर्ड्स फ्लैश खाते हैं और इनके बीक स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व होते हैं, जो इन्हें फ्लैश को, मांस को नोच कर खाने में हेल्प करते हैं. डू यू नो देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. पैरट इज़ one of them.
कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हमारी आवाज़ की नकल कर सकते हैं और पैरट उनमें से एक है। क्रोज एंड हैन हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट अ वराइटी ऑफ फूड लाइक मीट फ्रूट्स ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स। क्रोज एंड हैन के बीक ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के फूड को खा सकते हैं जैसे मीट फ्रूट्स ग्रेन्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चीजलिंग बीक। Birds like woodpecker have a strong, long and straight beak. This helps them to peck at the wood and eat insects present in the wood. What is peck? Peck का मतलब क्या होता है? Peck का मतलब होता है कि कोई bird अचानक अपने सिर को पीछे से ले जाकर झटके से quickly forward bite करता है, उस way of eating को pecking कहते हैं। While pecking at something, a bird moves its beak forward quickly एंड बाइट्स एट इट। जल्दी से उसको अपनी चोंच को आगे लाकर खाते हैं। बर्ड्स लाइक वुडपेकर हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक। वुडपेकर जैसे बर्ड के स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक होते हैं जो इन्हें वुड में पैक करके यानी जल्दी जल्दी अपने चोंच को मारकर इंसेक्ट्स खाने में हेल्प करते हैं। वॉट इज प्रोबिंग बीक? सम बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड है एंड द हुपी have a long and slender beak. कुछ birds के पतले लंबे beak होते हैं जैसे hummingbird, sunbird and hoopoe. Sunbird sucks nectar from flowers while hoopoe takes out insect and worms from the holes in the ground. Sunbird and hummingbird फूलों में से उसके रस को चूसते हैं, अपने चोंच को पतले लंबे चोंच को उसके अंदर डालकर उस रस को चूसते हैं, और हुपी जैसे बर्ड होल्स में अपनी चोंच को डालकर इंसेक्ट्स को खाते हैं। अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। हमिंग बर्ड अपने विंग्स को बहुत तेज़ी से फ्लैप करते हैं, 1 सेकेंड में लगभग 90 टाइम्स फ्लैप करते हैं। नाउ अबाउट सिफ्टिंग बीक। द डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक which has small holes on both sides. Duck का beak flat होता है और चौड़ा होता है जिसके दोनों तरफ holes होते हैं. It digs up the food along with mud from the base of the pond or lake. Its beak pushes out mud and water from the holes leaving the food behind. Its beak thus helps it to sift food from mud and water. बतख क्या करते हैं कि pond के ज़मीन के सतह से वे कीचड़ और मिट्टी पानी एक साथ उसको अपने चोंच में भर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि अपने चोंच के दोनों तरफ के होल से वो मिट्टी और पानी को गिरा देते हैं, उनके चोंच के अंदर केवल उनका फूड रह जाता है। इस तरह से उनका बीक जो है फूड को छान कर कीचड़ और पानी में से उनके फूड को छान कर निकालने में हेल्प करता है। Now about sticky beak. A swallow has a small, broad and sticky beak. Swallow naam ke pakshi ka chhota, chauda aur sticky yani chipchipa andar se sticky beak hota hai. The beak is sticky from inside. It helps the swallow to catch flies while flying. Inke chipchipe hone ke karan inka beak andar se chipchipa hota hai, bahar se nahi, andar se chipchipa hota hai. ये इनको मदद करता है इंसेक्ट्स को पकड़कर खाने में। डू यू नो द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वैलोज इज़ अ श्योर साइन दैट समर इज़ ऑन इट्स वे। अगर स्वैलोज का झुंड दिखने लगे तो इसका मतलब यह होता है कि गर्मी आने वाली हैं, गर्मियों का मौसम आने वाला है। फीट एंड क्लॉज। अब हम बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर शेप टू सूट देयर पर्सिंग एंड फूड हैबिट्स। बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज उनके पर्सिंग यानी उनके बैठने और फूड हैबिट्स के अनुसार शेप्ड होते हैं। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व नेल्स प्रेजेंट ऑन फीट। बर्ड्स के फीट में जो लंबे कर्व नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उनको क्लॉज कहते हैं। Claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and pursing. Claws का काम क्या क्या है आप समझ सकते हैं। Climbing किसी चीज़ पर चढ़ना, protecting अपनी रक्षा करना,
फूड को होल्ड करना, स्विमिंग करना और पर्सिंग, किसी चीज़ पर पकड़ कर बैठना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बर्ड्स ऑफ प्रे। व्हाट आर बर्ड्स ऑफ प्रे? बर्ड्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम एज फूड आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे ऐसे बर्ड्स को कहते हैं जो दूसरे छोटे जानवरों को मार कर खाते हैं। ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। दीज हेल्प देम टू फर्मली होल्ड द प्रे वाइल फ्लाइंग। ईगल, वल्चर एंड हॉक ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने प्रे को, छोटे जानवरों को पकड़ कर हवा में उड़ जाते हैं। इनके क्लॉज हेल्प करते हैं इन्हें अपने प्रे को मजबूती से पकड़ कर रखने में। नाउ पर्सिंग बर्ड्स, स्पैरोज, पीजन एंड क्रोज हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज विथ थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। स्पैरोज, पीजन एंड क्रोज जैसे बर्ड्स के तीन टोज आगे होते हैं और एक टोज पीछे होता है। देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच और अ वायर एंड होल्ड इट फर्मली। ये जहाँ भी बैठते हैं इनके टोज उसे कर्ल करके अच्छे से मजबूती से पकड़ लेते हैं और इन्हें तार या किसी ब्रांच पर बैठने में मदद करते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, डक्स एंड पेंगुइन्स हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस। डक एंड पेंगुइन जैसे बर्ड के फीट जो होते हैं आगे के, ये आगे से स्किन से जुड़े हुए होते हैं जो इन्हें एक फ्लैट यानी चौड़ा सा अपीयरेंस देते हैं। दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। ये अपने फीट का इस्तेमाल पानी को पीछे की तरफ पुश करने में के लिए करते हैं जिससे ये आसानी से तैर सकें। वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है जो पानी में, कीचड़ में चलते हैं। क्रेन एंड जिकेना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज। दीज हेल्प देम टू वॉक इन शैलो वाटर और मड। क्रेन एंड जिकेना जैसे बर्ड्स के लंबे और वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं। इनका लंबे पैर होते हैं और वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं जिसकी मदद से ये इनका शरीर, बॉडी जो है, पानी में भीगने से बचता है और ये आराम से कीचड़ में, पानी में चल सकते हैं। The widely spread toes prevent the body from sinking in water. Now, scratching birds. Some birds like hen have strong feet with three toes in front and one toe at the back. कुछ birds जैसे hen के three toes आगे और एक toe पीछे होता है और उनका feet बहुत ही strong होता है। Each toe has a sharp claw to scratch the ground in search of seeds and insects present in the soil. इनका टो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिससे ये मिट्टी को आसानी से खुरच सकते हैं उसमें इंसेक्ट्स या सीड्स को ढूंढने के लिए। Now climbing birds. Birds like woodpecker and parrot have two toes pointing upwards and two downwards. These birds can cling to trees to catch insects and to hold fruits. Parrot and woodpecker जैसे birds के feet में दो toes आगे होते हैं और दो toes पीछे होते हैं। ये इनको पेड़ों पर आराम से टंग कर पकड़ कर food को खाने में help करता है, जैसे woodpecker insects को खाने में और parrot जैसे birds को fruits खाने में help करते हैं। We thus find that nature has provided birds with different type of beaks, feet and claws. These are as per the needs and habits of the birds. इस प्रकार हम birds के feet and claws के बारे में समझे और हमें पता चला कि ये इनके food habits के लिए किस प्रकार helpful हैं। Dr. Saleem Ali, a person who studies birds is called ornithologist. बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। उन्होंने जंगल के जानवरों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे उनकी रक्षा की जा सके,
उन्होंने बर्ड्स के बारे में किताबें भी लिखी हैं और इन्हीं सब अच्छे काम के लिए उनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला है. सो इट वॉज अबाउट डॉक्टर सलीम अली. नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड एन्जॉय लर्निंग.